भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? और रेडी हो चुके हैं, सामान उठाते हैं अभी अपना और बांधते हैं इसको बाहर। और टाइम हो गया है 9:30 का, तो यही था आज का। बस अभी निकलते हैं यहाँ से लामायूरी के लिए। तो चलो वो बाइक की घड़ी करते हैं, उनको कोल्ड स्टार्ट। और ये था होम से वाच से फोटोस्कर विलेज, कहाँ से जाते हैं हाई अल्टीट्यूड में। गौरव के साथ एक पिलियन था, आज एक और पिलियन हो गया है भाई, तेरे को ही नहीं मालूम। सो भाई टाइम हो गया 9:50 और ये है फोटोस्कर विलेज, छोटा सा। अभी यहाँ से कुछ 60 किलोमीटर के करीब है लामायूरी, और वहाँ हमारे को मतलब ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले हम तो। और छोटा सा वैली के बीच में बहुत प्यारा गांव था ये, बहुत प्यारा। पर होम स्टे ऑप्शन एक या दो ही है यहाँ पे। और ये गौरव के बजे हैं, पिलियन एक होता है। हैंड ग्लव्स गिर गया रास्ते में, हैंड ग्लव्स पड़े इस चौक पे, वो ले लेना। ये है गवर्नमेंट रेजिडेंशियल मिडिल स्कूल था ये, फोटोस्कर का छोटा सा। और हाँ जी है, वो ठा लिया उन्हें, ठा लिया ने, ठा लिया उसी बोल दिया था। सुबह क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। और हम आए हैं और सामने देखो, दोबारा 1 घंटा हो चुका है हम हमारे को चढ़ते 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 अपवर्ड से जा रहे हैं। और नज़ारा देखो भाई, जबरदस्त। बाकी स्टिक टू ऑन रोड नाउ, क्योंकि पत्थर बहुत हैं तो स्लिप हो सकती है बाइक। और सबसे आगे गौरव, फिर लड्डू, फिर हम, क्योंकि मैं और लड्डू बीटी पे कनेक्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और भाई ये जो सामने रोड दिखाई दे रहा है ना, वो लास्ट में जो ऊपर है वो है टॉपेस्ट पीक, और उसके बाद सिर्फ अब हमारे को उतरना उतरना है। तो ये था, देखो रोड, देखो रोड। अभी 2 गाड़ियाँ गई हैं, बस 3 गाड़ियाँ गई हैं अभी तक सुबह, मतलब जब से हम चले हैं। वो भी मतलब कार्गो वाली थी, एक कार्गो की थी और 2 पैसेंजर्स की थी। और ये हम पहुंच गए सिरसिर लापास, और अभी सारा नीचे डाउनवर्ड्स जाएंगे। ये है सिरसिर लापास, 15,700 फीट पे। ये भी बीआरओ का बनाया हुआ है। और अभी एक दो फोटो लेते हैं यहाँ पे और फिर निकलते हैं यहाँ से। तब तक आप सीन देखो चारों तरफ। कल शाम को हमने इसीलिए होम स्टे ले लिया था कि एक पास और करना पड़ेगा, तो एक फोटो लेते हैं यहाँ पे। और एक बार वैली का ना नज़ारा देखो, जैसे ही वहाँ से जस्ट उतर गया हूँ मैं, एक ही पिन बैंड क्रॉस किया है उधर से नीचे 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 और वो सामने। और शायद उधर से अभी कितना 40 किलोमीटर और हमारा लामायूरी बाकी है बस। तो ये बिल्कुल पठार टाइप में आ गया है अभी। सो भाई एक बार रुक के ना वैली का नज़ारा देखो। और रुकना ज़्यादा रुक नहीं सकते, अभी बारिश हल्की हल्की शुरू हो रही है। ये देखो पिन बैंड्स और वैली। सो भाई हल्की हल्की स्नोफॉल होनी शुरू होगी, बिल्कुल हल्की हल्की, बिल्कुल छोटे छोटे दाने आ रहे हैं ऐसे। और शायद दिखाई भी नहीं दे रहा होगा गोप्रो में, तो एक दो विंड स्क्रीन पे लगे भी हैं। और काफ़ी मतलब डेडली रोड है भाई ये, अभी कल से हम ऐसे ही चल रहे हैं, देख लो कल से। और ये देखो सामने बिल्कुल रेड और कुछ भी नहीं है सामने, तो कुछ भी नहीं है। अच्छा कल से 164 किलोमीटर में 2 चाय की दुकान आई है, सिर्फ चाय की और कुछ भी नहीं। आज देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँचेंगे। आज तो वैसे ले लगेगा ही, क्योंकि अभी लामायूरी के बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन हाईवे आ जाएगा, हाईवे पे तो टाइम लगेगा नहीं लामायूरी के बाद। तो लामायूरी एक स्टॉप लेंगे, उसके बाद सीधा ले लगा देंगे। बाकी अभी जो 3-4 पास थे हमने वो कर दिया। श्री श्री ला अभी गया है, सिंगेला कल किया था, काफ़ी हाइटेड था सब कुछ। बस यही था, अभी चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे आपसे। बस अभी हल्का हल्का स्नोफॉल शुरू हो गया है, मौसम ख़राब है, सामने दिखाई दे रहा होगा अभी थोड़ा बहुत, अगर गोप्रो में दिख रहा होगा तो देखो। कोई दोस्तों रुको रुको रुको, रुक जा रुक जा,
गियर में डाल, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पैर लगा। हाँ ठीक है, हाँ कोई ना कोई ना, पत्थर ला क्या होगा आगे, कोई दिक्कत नहीं, लागी नहीं ना, चलो कोई ना भाई, चला तू, कुछ ना आया कुछ ना आया, बच गई। तो भाई गौर हो गया, हम भी गिर गए थे, पत्थर इतने हैं इस रोड पे, क्यों भाई पत्थर बहुत थे तो गौर यहाँ पे स्लिप हो गया था, पत्थर आ गया था अगले पहिया के आगे बहुत बड़ा, और चल अब मैं भी पड़ा था, कोई दिक्कत नहीं आराम से चलते अभी। हाँ जय भोले बाबा जी, एक्चुअली स्टीप डाउन था और शार्प बैंड था तो, और बड़ा पत्थर था तो नहीं स्लिप होगी, कोई दिक्कत नहीं, चोट वोट कुछ नहीं लगा ना, कोई नुकसान होगा। तो बीच में आया था एक हनुप्ता गांव और तब से ही हम चल रहे थे, आधा 20-25 मिनट बैठे, पानी वगैरह पिया, और उसके आधे घंटे में अभी एक स्कॉर्पियो आई है, अब तक कुछ भी नहीं है, मतलब डेडली रोड है भाई, डेडली बिना नंबर की। ओके झूल उठाते हुए कोई दिक्कत नहीं, बाकी रियल एडवेंचर रोड भाई यही है, और संभल के आना इस रोड पे। आज सुबह डोमिनार भी गिर गई, बैंड पे बड़ा पत्थर था तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल बात है ना, क्या लेकर रखता था। एक और आई, अरे ये देखो भाई बिल्कुल पक्का खड़ा था, और बस पहुंचते हैं लामा यूरी या कोई चाय की दुकान आएगी तो वहीं रुकते हैं, बाकी नज़ारे तो हर मोड़ के बाद नए हैं, कितना ही रिकॉर्ड करें कितना ही देखें कितना ही दिखाएं, लेकिन मेन नज़र है रोड पे, क्योंकि पत्थर है ना, पत्थर से स्लिप होती है बाइक, गाड़ी में तो क्या है चार टायर हैं तो मैनेज हो जाता है, लेकिन बाइक पे आपको बड़ा प्यार से संभाल के चलानी पड़ेगी। और भैया देखो कितना स्टीप डाउनवर्ड्स है, और ये देखो बिल्कुल नीचे तक, और लोकेशन देखो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, और टाइम अभी 12:03 है। एक ये किलर किश्तवाड़ की याद दिलवा रहा है यहाँ पे, सेम एज किलर किश्तवाड़, और ये देखो कितनी स्टीप है, पत्थर ही पत्थर रोड पे, जैसे ही बैंड पे गिरता आदमी, और ये देखो भाई रिवर कितनी क्लियर, ये पत्थर लगा रखे, और व्यू देखो। तो अब तो बस हाईवे मिल जाए, 3-4 दिन से ऑफ रोड ही चल रहा है हमारा, पहले शिंकुला पास हुआ, शिंकुला के बाद सिंगेला किया, सिंगेला के बाद श्री श्रीला हो गया आज, और टोटली मतलब ऑफ पैच है ये, वो तो गोम्बोरोंग जोन में एक वो टेंट मिल गया था हमारे को तो इसलिए वहाँ पर रुक गए थे उतरते ही, बाकी यह देखो भाई फर्स्ट राइड में से एक है ये जंस्कार वैली राइड, इसमें कोई भी चीज़ गिव अप कर जाती है तो बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जिस तरह मतलब खाने पीने का कोई भी पॉइंट नहीं है यहाँ पे, कोई भी पॉइंट नहीं है, तो टाइम से पहले अपना टाइम से चलो और टाइम से पहले रुको। अगर हम कल रात को फुतस्कर में नहीं रुकते तो अभी आज दिक्कत हो जाती, अभी ये देखो यहाँ से रास्ता था अभी ये डायरेक्ट कर दिया, तो बस यही है, चलो पहुँचते अभी हाईवे पे या कहीं पॉइंट पे, बाकी ये देखो जिसको ना डर लगे ना रात को फंस जाए भाई मर जाए आदमी, ऐसी ऐसी लोकेशन आ रही है, ये देखो ये ऊपर से रोड था ये हटा दिया, क्या चक्कर है नीचे से बना दिया, ब्रिज शायद नया बनना होगा फिर, हाँ ब्रिज नया बन रहा है, अरे वाह यहाँ तो रुकना पड़ेगा भाई, ये तो रिवर साइड में से रिवर के अंदर से जाना पड़ेगा अभी, तो ऐसा ही लग रहा है। ओके ओके ओके, तो ये रिवर क्रॉसिंग है जी, ये बड़े प्यार से आराम से करनी पड़ेगी, और इसका ऊपर से ब्रिज का काम चालू है, तो आ जाते हैं जब करते हैं इसको। तो भाई मैं डर जाता है जिस तरह उधर से रास्ता है, लेकिन रास्ता है यही छोटा सा ही है अपना, तो कोई दिक्कत नहीं है।
वो कोई और गांव वगैरह का होगा, लेकिन अगर इधर से जाना पड़ता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। सो भाई करते हैं इस वाटर क्रॉसिंग को, हमारे को जाना है लेफ्ट। पानी घुस गया पैर में। बच गया भाई, थोड़ा ही घुसा, ज्यादा नहीं घुसा। सो भाई उस मोड़ के बाद जहाँ से हमने वाटर क्रॉसिंग की और जस्ट यहाँ से रोड स्टार्ट हो गया है और अब थोड़ा शायद स्पीड मिल जाएगी हमारे को, तो निकलते हैं यहाँ से। व्यूज़ गजब है पर बहुत रिस्की है, ये व्यूज़ के लिए बहुत रिस्क लेना पड़ता है। मतलब रिस्क इतना नहीं है, आराम से चलोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जा भाई। सो देखो कितनी क्लियर नदी है बिल्कुल, ये देखो। सो भाई टोटली हो गया है हमारा 185 किलोमीटर इधर से पदुम से, और पदुम से 185 में मतलब ये लगा लो कि हम आए हैं 10 15 20 की स्पीड पे, और अभी ये प्लेन रोड मिला है, ये भी बीच में बजरी है तो मोड़ पे दिक्कत है इसमें। बाकी बहुत जल्द रोड इंडिकेट कर रहा है कि हम लामायूरी पहुंचने वाले हैं। बाकी इस पे भी स्पीड 50-60 मिल रही है, लेकिन कॉर्नरिंग पे जो बजरी है ना इससे खतरा काफ़ी है। सो भाई जैसा एक्सपेक्ट किया था, रोड तो बहुत बढ़िया है। पहला ही गांव आया फाजिला, उसमें कोई चाय की दुकान नहीं थी। फिर अब भी 4 किलोमीटर के रेंज में 4 या 5 में वानला गांव है, उसमें वो ट्राई मारते हैं फिर देखते हैं। रोड बहुत स्मूथ है, लैंडस्केप व्यू ज़बरदस्त है, देखो बिल्कुल मतलब कितने स्मूथ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक ही कमी इस रोड पे, चाय की दुकान नहीं है। अभी ये क्या रह गया, लांगरू 10 किलोमीटर है, लांगरू है वनला 4। सो भाई चलते हैं यहाँ से और चाय पी ली, ब्रेक हो गया, अभी खलसी रुकेंगे, लामायूरू नहीं जाएंगे, उधर से लंबा पड़ेगा, और यहाँ बैठ के चाय पी। ये है हिमालयन होम स्टे, और ये बता रहा था कि ये रोड जो अभी करके आए हम, एक ही साल से चालू है, उससे पहले पदुम से कारगिल होके जाना पड़ता था, तो इस सीज़न के हम फर्स्ट बाइकर बता रहा था जो आए थे। सुबह वांगला से निकलते ही एक अद्भुत नज़ारा आया, बिल्कुल सामने पहाड़ है, और अभी लामायूरू जाएगा लेफ्ट, हम जाएंगे राइट, राइट टू खलसी, और बस ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 घंटे में बोल रहा था कि पहुंच जाओगे आराम से खलसी, और उसके बाद ले 1.5 से 2 घंटा। सुबह पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था, इफ़ मैरिड डाइवोर्स्ड स्पीड, ये बात भी ठीक है। और अभी करीब करीब 10 मिनट हो गए हमारे को चलते, नज़ारा ज़बरदस्त है, देखो बिल्कुल क्लियर रिवर है, बिल्कुल क्लियर। और यहाँ से अभी पता नहीं लौंडा क्यों रुक गया, क्या दिखाना चाह रहा है? अच्छा ओके जी, लो जी पीछे से सिग्नल आया, पैनिक सिग्नल। और ये देखो भाई नदी एक नंबर। तो भाई ये देखो ये रोड, पदम कारगिल इधर है, ले इधर है, तो ये गया लामायूरू और ये जाएगा खलसी, तो हम जाएंगे खलसी। तो ये अभी ले लिया हमने खलसी वाला रोड, और एक और मोनेस्ट्री यहाँ पे है, दिखाई दे रही है बड़ी प्यारी भाई, और हवा अब सामने से आ रही है, बिल्कुल विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये देखो हवा कितनी तेज चल रही है। तो भाई एक और देखो नेक्स्ट लेवल व्यू ऊपर, बिल्कुल इस तरह मतलब किस तरह क्या कटिंग है, क्या सीन है, और सामने से दो आ रही है हमारी इंडियन आर्मी की ट्रक्स, ये शायद 3 टन बोलते हैं इनको। सो भाई लंच हो गया हमारा इसी ढाबे पे, कौन सा था ये, मूनलाइट वैष्णो ढाबा, लंच कर लिया है यहाँ पे, और अभी चलते हैं पहले इनको भी लंच करवा देते हैं, 2 दिन से इन्होंने भी लंच नहीं किया है, पेट्रोल डलवाते हैं खलसी में और फिर निकलते हैं ले के लिए। सो भाई खलसी से जस्ट निकलते ही खलसी में जो एक पेट्रोल पंप था वो तो बंद होके एक नया आगे खुल गया है, तो नज़ारा बहुत बढ़िया है, रोड बहुत बढ़िया। 3 से 4 दिन के बाद ऐसा लग रहा है कि टाइगर हिल फिलिंग स्टेशन है, और 3 से 4 दिन मतलब ऑफ रोड करके ऐसा लग रहा है जिस तरह मक्खन में आ गया, मक्खन टोटल मक्खन और कुछ नहीं, और ये शायद इंडस्ट्री और है, और ले रह गया यहाँ से 74 किलोमीटर,
और नज़ारा भाई ज़बरदस्त। देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ तक कुछ होगा आज, ले रुकेंगे और ले के बाद कल हम ले को एक्सप्लोर करेंगे, मतलब ले थोड़ा देखेंगे भाई, इतना बड़ा शहर है और 3 दिन के बाद सच में भाई गजब रोड, एक नंबर रोड बना रखे। हैट्स ऑफ टू VRO। एक्सीडेंट डू नॉट हैपन, दे आर कॉज्ड, वेरी गुड। घूमे बंजारे घूमे गलियां ये बेचारे, दोनों बीच में रुका हुआ ये होगा दीवान। चला जी तो भाई नीमो है कुछ 20-22 किलोमीटर और एक अजब और गजब नज़ारा आया। और यहाँ पे शूटिंग स्टोन्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब ये साइड शूटिंग स्टोन्स की थी सारी और हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो ज़्यादा कुछ किया नहीं। तो गाइस व्यू देखो भाई, बिल्कुल स्ट्रेट रोड आ गया है, सेम एज लाइक जैसलमेर वाला जैसा। और दोनों साइड माउंटेन्स, स्नो पीक्स और बालू रेत जैसा। और अभी आगे आएगा मैग्नेटिक हिल, उसके बाद ओहो हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पे वैली में। देखो स्पीड तो 75-76 ही है लेकिन वैली में हवा की वजह से बहुत और थोड़ा मौसम बारिश का भी हो रहा है तो देखो बस। सो भाई ये जो वैली है, जो नीचे एक रोड है, ये है चिलिंग वाला रास्ता जो पदुम जाता है, लेकिन हम आए हैं फोटोज करोते हुए क्योंकि ये रास्ता अभी रेडी नहीं हुआ है और इसको बनने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि इधर जो माउंटेन्स है वो प्योर मतलब पत्थर वाले पहाड़ हैं बिल्कुल। तो बाकी जिस दिन ये भी खुल गया तो ये और शॉर्टकट होगा मनाली से। सो ये रास्ता है भाई वो चिलिंग वाला और इधर से ये जा रहा है, यहाँ से 10-15 किलोमीटर का रोड है, उसके बाद कोई भी रोड नहीं है आगे मतलब। तो बस यही था, चलते हैं अभी ले 35 के करीब है, लोग खड़े हैं अभी यहाँ पे, करेंगे गाड़ियों के साथ कारस्तानी क्या है ये, और बाइक खड़ी है मैग्नेटिक हिल ATV पॉइंट। तो ये कुछ एडवेंचरस ATV करने के लिए रोके हुए हैं लोगों ने, टूरिस्ट असिस्टेंट बूथ। सो भाई ये आ गया है अपना गुरुद्वारा पत्थर साहिब ले, और देखो भाई गजब, ये वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। क्या भाई लड़के हो? हाँ जी हाँ जी दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, वास्तव में मन लगा सिस्टम पार्ट किया वो भाई सामने शायद ले के ले दिखाई देने लग गया है, यहाँ से 22 किलोमीटर कुछ है और सामने बिल्कुल मतलब बड़ा शहर है तो ले ही होगा, से आगे तो क्या होगा। और रोड स्पीड 100 पे क्रूजिंग चल रही, इतना मक्खन रोड बना रखा है ना, मतलब क्या ही कहने हैं। और पहले हमारे को 4 दिन 20 से ऊपर नहीं जा पाए हम, मतलब 4 दिन 20 की स्पीड 15-20 टोटल ऑफ रोड में मज़ा ही अलग आया, इसमें मज़ा अलग आ रहा है। और सामने मौसम थोड़ा सा क्लाउडी है, वो ले चटीरा और पहुंचते हैं वहाँ कुछ। तो भाई वास्तव में जो बहुत सालों का मेरा सपना था, बहुत सालों का जो एक ड्रीम था लद्दाख राइड, वो पूरी कर रहे हैं। सो भाई ये था म्युनिसिपल कमेटी का टोल ले सिटी का, 20 रुपये पर बाइक, कोई दिक्कत नहीं। ओ बस अब तो सामने आ गया ले, 16 किलोमीटर है ये देखो ले 16। सो भाई ये था लद्दाख का वॉर मेमोरियल और अभी क्लोज हो चुका है, ये हॉल ऑफ फेम है तो काफ़ी अच्छा बना रखा है, जो भी मतलब मिलिट्री ने कर रखा है, मैं दिखाता नहीं हूँ पर ये मेन रोड पे पब्लिक के लिए इसलिए दिखा रहा हूँ, नहीं तो वो कोई भी पैरामिलिट्री या पब्लिक जोन को मैं दिखाता नहीं हूँ, नो ड्रोन जोन है ये, कोई दिक्कत नहीं हमारे को नहीं उड़ाना, हम आगे उड़ाएंगे ड्रोन। और इधर जब हम आए तो ड्रोन इसीलिए नहीं उड़ाया क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे थे और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, तो आगे जैसे ही हम पैंगोंग की तरफ जाएंगे उधर ड्रोन शॉट्स वगैरह दबा के लेंगे। हाँ
लेफ्ट वो ऊपर। हेड और लेफ्ट टर्न। सो भाई जो ये रवि ने होटल बताया था ये तो बंद हो चुका है, दूसरा देखते हैं कोई। सो भाई एक एवरेस्ट कुछ करके बता, देखते हैं कौन सा है। सो भाई ये गेस्ट हाउस लिया है रिंगजुंग गेस्ट हाउस ले में, और काफी हमारे को इन्होंने डिस्काउंट दिया है, ओनली 400 रुपये पर पर्सन खाना अलग। और रूम दिखा देता हूँ एक बारी, बाकी बाद में मिलते हैं आपसे। ये रूम है जी, छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं, टीवी है, वॉशरूम ये है। हरिया गौरव देशवाल देसल खाप से, पति ने बाइक लग गया हमारी।